और आज जब ये महामारी पूरे अपने चरम पे है, तब ये सरकार परीक्षा के नाम पे छात्रों को सीधे सीधे मौत के मुंह में ढकेलना चाह रही है। ये बहुत इजी होता है सर कि मैं ऐसे किसी रूम से, मेरे यहाँ तो पंखा चल रहा है, आपके यहाँ एसी होगा, कोई भी डिसीजन दे दूं। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को भी कोविड संक्रमण हुआ और उसके बाद भी वो एम्स में भर्ती हुए। डर एग्जाम से नहीं लगता साहब, साला डर तो मौत से लगती है। तो साहब यहाँ से सोचो, यहाँ से जो आप लोग के पास आई एम श्योर नहीं है, लेकिन सर 2 मिनट है ना दिमाग लगा के यहाँ से सोचो, फिर आप भी बोलोगे कि एग्जाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सर हम बच्चे हैं, लाभ के चूहे नहीं है, एक्सपेरिमेंट मत करो, पोस्टपोन करो। इंडिया के कॉलेजेस 172 से स्टार्ट होते हैं सर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, अमेरिका के कॉलेजेस नंबर 1 से। जब वो कॉलेज MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसे कॉलेज 0 ईयर घोषित कर सकते हैं, हम 0 ईयर की भी मांग नहीं कर रहे। हमारी कंसर्न सिर्फ ये है कि 2 से 3 महीने क्या ये परीक्षाएं नहीं डाल सकती। ये बहुत ईजी होता है सर कि मैं ऐसे किसी रूम से, मेरे यहाँ तो पंखा चल रहा है, आपके यहाँ एसी होगा, कोई भी डिसीजन दे दूं। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को भी कोविड संक्रमण हुआ और उसके बाद भी वो एम्स में भर्ती हुए। ऐसे कितने मिनिस्टर है, गजेंद्र शेखावत, बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स, तरह तरीके के CM शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, दूसरे स्टेट्स के मिनिस्टर, सब कोविड संक्रमित हुए। सर क्यों IPL में जाने के लिए खिलाड़ियों को स्पेशल प्लेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो सैनिटाइज हुए जा रहे हैं, बल्कि इंडियंस को बाहर से लाने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कोविड एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अभी भी दुनिया रशिया की वैक्सीन पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, और जब हमारे यहाँ खुद की वैक्सीन पे ट्रायल चल रहा है तो हम क्या कुछ समय रुक नहीं सकते? यही विनती है सर। और आज जब ये महामारी पूरे अपने चरम पे है, तब ये सरकार परीक्षा के नाम पे छात्रों को सीधे सीधे मौत के मुंह में ढकेलना चाह रही है। जब आज बिहार आधा डूबा हुआ है, असम डूबा हुआ है, पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से लॉकडाउन है, ऐसे समय में एंट्रेंस करा रही है, अब ये छात्र किस तरह से परीक्षा देंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो फर्जी डिग्रीधारी आज प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री बन के बैठे हुए हैं, ये आज छात्रों को परीक्षा के नाम पे मारने की जो साजिश कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाइए। परीक्षा से पहले सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, बिना सुरक्षा के कोई भी छात्र परीक्षा नहीं दे। 87% बच्चे कह रहे हैं कि JEE और NEET को पोस्टपोन करो। इस पे NTA क्या रिप्लाई दे रहा है कि हम सारे SOPs फॉलो करेंगे, हम क्या इनको पागल दिख रहे हैं? अभी हमने रिसेंटली 2 एग्जाम्स कंडक्ट होते हुए देखे और मैं साफ साफ देखे वहाँ पे क्या हालत थी। जो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, आप उसके बेसिस पे लाखों बच्चों की जान कैसे दांव पे लगा सकते हो? आप 50 गेट तो बनाओगे नहीं तोड़ के, एक ही गेट से घुसेंगे सारे बच्चे, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो वहीं पर ठप हो गई। और उसके बाद आप जो कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की बात कर रहे हो, बायोमेट्रिक्स खाने को कैसे टैकल करोगे? इंडायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो सभी तभी आ ही जाएंगे। पर चलो कोई बात नहीं, बच्चा अगर एग्जाम देने बैठ भी गया तो अगर उसको पता चलता है कि उसके साइड वाले बच्चे की या फिर अगले रो वाले बच्चे की तबीयत खराब हो चुकी है, तो वो क्या पैनिक नहीं करेगा? कंसंट्रेट होना कर पाएगा एग्जाम पे? और एक कमरे में 3 घंटे बंद कमरे में मास्क लगा के बैठना ईजी होता है, और ऊपर से जो लोग चश्मे पहनते हैं उनके मास्क की वजह से चश्मों पर फ्रीक्वेंटली फॉगिंग हो जाती है, तो वो क्या हर 5 मिनट पर चश्मे उतार के साफ करें? और अगर मेरे को पता चलता है कि मेरे को कोविड के सिम्टम्स मेरे को फील हो रहा है और मेरे 4 दिन बाद JEE का पेपर है, तो मैं क्या किसी को बताऊंगा या फिर मैं टेस्ट कराने की सोचूंगा भी? ऑब्वियसली नहीं। और बीइंग एन कोविड पॉजिटिव पर्सन, अगर मैं वहाँ पर जाकर सेंटर में 25 लोगों के बीच में जाकर बैठता हूँ और मैं 25 लोगों को अफेक्ट करके आऊँगा, तब क्या करोगे? और आप तब से ये वाले बात करे जा रहे हो कि हम बच्चों को बचाने के लिए ये कर रहे हैं, अभी तो बात ही नहीं कर रही कि अगर इसको हो गया तब क्या करोगे? आप तो उस टॉपिक को टच ही नहीं कर रहे। सर हम बच्चे हैं, लाभ के चूहे नहीं है, एक्सपेरिमेंट मत करो, पोस्टपोन करो। डर एग्जाम से नहीं लगता साहब, साला डर तो मौत से लगती है। अभी वर्तमान समय को देखते हुए नीट एंड JEE से ज्यादा जरूरी है इस धरती पर जिंदा रहना। और मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहता हूँ जो तय समय पर एग्जाम लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि बच्चों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, जिंदा रहना या डॉक्टर इंजीनियर बनना। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि समान स्थिति होने तक एग्जाम को स्थगित किया जाए। दूसरी बात सर, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा एग्जाम आप लोग पोस्टपोन क्यों नहीं करेंगे? सर पहली बात वोट बैंक, नंबर 2 पॉलिटिक्स, नंबर 3 आप लोग बिकाऊ है, आप लोग भिखारी के बच्चे इसके लिए, नंबर 4 क्योंकि है ना सर आप लोग को ना इंटरनेशनल स्टेटस मेंटेन और इंडिया की इकोनॉमी की इतनी नीचे है इसके लिए,
भाई बच्चा जाए मरे हमको उससे क्या लेना देना, वो तो उसकी ज़िंदगी है, वो कैसे भी कुछ भी करे मुझे उससे क्या लेना देना। तो साहब यहाँ से सोचो, यहाँ से जो आप लोग के पास आई एम श्योर नहीं है, लेकिन सर दो मिनट है दिमाग लगा के यहाँ से सोचो, फिर आप भी बोलोगे कि एग्जाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सर, मैं नीत का एस्पायरेंट हूँ, मैं इस परिस्थिति में जूझ रहा हूँ और मेरा एग्जाम 13 सितंबर को होने वाला है। इस परिस्थिति में जुड़े हुए हैं और हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा का भी सब कुछ बंद है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सब बंद है और हम चाहते हैं या हमारी मांगे हैं कि आप नीट और जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करें प्लीज़ सर, देख लीजिए सर। अभी परसों नरसों में यूपी बीएड का एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पर भी हमने देखा इसमें 4.5 लाख बच्चों ने कराया था रजिस्ट्रेशन और यहाँ भी देखा हमने कैसे सेंटर्स के बाद पूरी तरीके से भीड़ लग गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा था। तो सर आप जब 4.5 लाख बच्चों को और 1.5 लाख बच्चों को नहीं आपने संभाल पाए, तो सर आप कैसे 25 लाख बच्चों को जो नीट और जेई को टोटल को मिलाकर आप कैसे संभालेंगे? सर आप हमारी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे हैं सर, हमारे साथ जो हमारे पेरेंट्स आएंगे, किसी को शुगर है, किसी को बीपी की बीमारी है, किसी को अस्थमा की बीमारी है, सर वो पेरेंट्स सेंटर्स के बाहर खड़े रह के हमारा वेट करते हैं सर, वहाँ पे भी पूरी भीड़ लग जाएगी, तो सर आप वहाँ पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाएंगे? सर मेरा यह पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सर, जब सर हम वहाँ पर किसी बच्चे को अगर कोविड पॉजिटिव है, उसको कोरोना की बीमारी है, तो सर आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जो स्टूडेंट्स हमारे बीच बैठा है वो कोरोना पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव नहीं है? तक क्या पता वही कोविड पॉजिटिव बच्चे हमारे बीच बैठ के पेपर देगा? आप कह रहे हैं कि आप थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, सर थर्मल स्क्रीनिंग अगर वो बच्चा कोरोना जो कोविड की बीमारी है वो एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले पीसीएम पैरासिटामोल खा के आ जाता है और उसका फीवर उतर जाता है, सर फिर आप थर्मल स्क्रीनिंग से कैसे पता लगा पाएंगे कि वो कोरोना पॉजिटिव है? मैं नीट का स्टूडेंट हूँ, मैं अभी फ़िलहाल अपने गाँव बिहार में हूँ, मेरा सारे सेंटर राजस्थान में दिया हुआ है, यहाँ से कहीं भी जाने के लिए कोई भी ट्रेवलिंग की सुविधा नहीं है, सारे मार्केट लॉक कर दी गई है, बिहार में 6 तारीख तक लॉकडाउन लगा दी गई है, उसके बाद भी लॉकडाउन कंटिन्यू ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोरोना केस बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप मेरे आवाज़ों को सुनिए, आप मेरे रिक्वेस्ट को मानिए प्लीज़ श्री नरेंद्र मोदी जी और HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी, एग्जाम को पोस्टपोन कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन नीट एस्पिरेंट्स, आप में से सब लोग इस साल हॉस्पिटल जाने वाले हैं, सम एज डॉक्टर।